नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। अपनी नियुक्ति के बाद ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के परिवहन आयुक्त संजय झा ने खास बातचीत में बताया कि पहली प्राथमिकता में भी आम नागरिकों की सुविधा, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग, स्कूल संचालक और जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जो परिवहन विभाग की जो बेसिक प्राथमिकताएं हैं और जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, वही हमारी भी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले तो यह है कि रेवेन्यू हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके और शासन को हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, इस दिशा में मैं प्रयास करूँगा। और ऑलरेडी एक कार्य योजना बनाने के लिए हमने अपने अधिकारियों से बात भी कर ली है कि वो सभी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे स्कोप है काम करने का, बढ़ाने का, तो वो किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द हम लोग एक कार्य योजना लेकर के और शासन के समक्ष जाएंगे। इसके अलावा जो जन सामान्य की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे, जाने होंगे, वो हम लोग सभी करेंगे। खास करके अभी वाहन पोर्टल की शुरुआत हुई है, पहले से सारथी पोर्टल चल रहा है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, परमिट के लिए, इन सब रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सब के लिए लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही स्थान पे उन्हें जा कर के ऑनलाइन ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक जो भारत सरकार के निर्देश भी इस संबंध में पूर्व से ही हैं, तो उसी के अनुरूप कई स्टेट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। तो एक तो ये भी अपनी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो विभागीय संरचना है, उसे भी कैसे और मजबूत किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, उसको अच्छा से स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर किया जाए, तो ये भी प्रयास किया जाएगा। खास करके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज हैं, जो चेक पोस्ट हैं, उन सबको और कितना मजबूत किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के जो अवैध वाहन हैं, उनका उनके प्रदेश के अंदर उनका परिवहन कैसे रोका जाए, ये भी हम सब प्रयास करेंगे। तो एक ओवरऑल ऐसा सिस्टम बनाया जाए और जो सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरा विभाग काम करे, तो ये हमारी प्राथमिकता होगी। जहाँ पर कि कंडम बसें चल रही हैं, कंडम वाहन चल रहे हैं, जीपें चलती हैं, हालांकि उनके पास कोई साधन नहीं होता आवागमन करने के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या एक विदिशा में ऑलरेडी एक प्रयोग किया गया, अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें ग्रामीण अंचल के बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं जिसपे कमर्शियली शायद बहुत वायबल नहीं होता या रूट्स पे जो परमिट नहीं लेते हैं, तो ऐसे रेखांकित करके ऐसे रूट्स को और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कुछ सहूलियत के साथ दिया जाता है। तो जो विदिशा का जो पायलट प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और उसी के अनुरूप पूरे प्रदेश में उसको स्टडी करके जो उसमें खामियां होंगी और जहाँ जहाँ पे उसे मजबूत करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, तो वो करके इसको पूरे प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। वहीं तमाम सारी एम्बुलेंसेज हैं जो मध्य प्रदेश में आसपास के इलाकों में जो कि अवैध रूप से चल रही हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, हालांकि मरीज को जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता है, तो इसके चलते किस तरह की? देखिए, एम्बुलेंस तो लाइफलाइन है किसी भी मरीज़ के लिए और ये एक इमरजेंसी सर्विस भी है, 108 भी ऑलरेडी चली रही है जिसमें 108 के एम्बुलेंसेज सभी जगह हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स के इनके भी एम्बुलेंसेज हैं। तो एम्बुलेंस का रहना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है और तत्काल वो पहुँच सके कहीं भी, क्योंकि वो बड़ा गोल्डन आवर, गोल्डन टाइम होता है जिसमें आप उसको खास करके एक्सीडेंट के केसेज में बचा सकते हैं। तो एम्बुलेंस तो रहना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि वो सारे रेगुलर हों, रजिस्टर्ड हों और उनके परमिट और बाकी सब चीज़ें हों। उनका किराया कोई वो नहीं है, किराया मानदंड पूरा वो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा किराया लेते हैं जी। तो ये इस संबंध में हम लोग सभी जो एम्बुलेंसेज है उनके साथ भी अभी चर्चा करेंगे, यहाँ ग्वालियर में भी करेंगे और दूसरे स्थानों पर भी, और जो जो खामियां दिख रही हैं जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया है, तो बाकी लोगों से भी मैं बात करूँगा, हॉस्पिटल से भी बात करूँगा और उन सबके सजेशंस लेकर के एक हम लोग नीति निर्धारण करेंगे कि कैसे इन एम्बुलेंस को अच्छे से चलाया जा सके।